अभी मैं पहुंच चुका हूं दयाल चक में, यहां पर देख सकते हो आप। तो यार हमारे साथ ये भाई लोग आए हैं, इनका एग्जाम है, ये राजेंद्र का भी एग्जाम है, इसके साथ ही आया जा रहा हूं मैं आज अमृतसर में। बाकी ये मुनीष है, इसका भी एग्जाम है, और ये भाई पुरुषोत्तम भाई। अभी हम लोग आ चुके हैं गोल्डन टेम्पल से बाहर, तो यार अभी अपने शूज वगैरह पहनेंगे और फिर चलेंगे यार जलियांवाले बाग में, क्योंकि यार पिछली बार भी मैंने वो जगह मिस की थी, उधर मैं नहीं गया था, तो इस बार मैं पक्का। तो यार ये जितने भी गोलियों के निशान है, आप सोच रहे होंगे कि दीवारों पे क्यों चलवाई है, ये दीवारों के ऊपर नहीं चलवाई है, ये जहाँ से लोग भागते थे ऊपर दीवार क्रॉस करने की कोशिश करते थे ना जब, तो वो लोग भाग रहे थे यहाँ से, तो पीछे से उन्होंने गोलियाँ चला दी थी। ठीक है, बाकी मेरे गाइस अभी हम कुछ ऐसे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और ये अभी सामने आप देख सकते हो कुआं, ये अभी फिलहाल तो बंद हो चुका है चारों साइड से, लेकिन जब यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि इधर 13 अप्रैल 1919 में लड़ाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है, जलियांवाले बाग में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अंदर कुएं के अंदर छुप गए थे बचने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से फायर हो रहा था। तो बाकी अभी फिलहाल वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो गाइज कैसे हो, होपफुली सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज मैं भी बढ़िया हूँ और मैं चुका हूँ आपके लिए बढ़िया सा ब्लॉग लेकर, तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइज अभी टाइम 9:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो बाकी फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ यार आज फिर से अमृतसर में, आप सोच रहे होंगे फिर से चल, अभी दो तीन दिन पहले भी गया था। तो बाकी यार आज मेरा एग्ज़ाम तो हो गया, तो अपने फ्रेंड का एग्ज़ाम है और जिंदर का एग्ज़ाम है और एक दो लड़का और है, वो बोल रहे हैं चलो यार हमारे साथ, हमको उधर का पता नहीं है, तो मैं गया था, तो मैं सोचा मैं आपको उनको बता दूंगा, तो मैं उनके साथ ही जाने वाला हूँ आज अमृतसर में। तो बाकी फ़िलहाल वो गाड़ी पर आ रहे हैं, तो यार चलते हैं उनके साथ, और आपको यार अभी सीधा इधर से फटाफट निकल जाएंगे और फिर दयाल चक वाली बस पकड़ लेंगे, और यार आपको सीधा मिलते हैं आपको दयाल चक में जाकर। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं दयाल चक में, यहां पर देख सकते हो आप। तो यार हमारे साथ ये भाई लोग आए हैं, इनका एग्जाम है, ये राजेंद्र का भी एग्जाम है, इसके साथ ही आया जा रहा हूँ मैं आज अमृतसर में। बाकी ये मुनीष है, इसका भी एग्जाम है, और ये भाई इधर पुरुषोत्तम भाई, इसका भी एग्जाम है, तो भाई हम लोग चार जने जा रहे हैं, एक दो और भी मिल जाएगा कोई, तो बाकी इन तीनों का एग्जाम है, मेरा नहीं है, बस मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो ये राजेंद्र बोल रहा था कि मेरे साथ चलना, ठीक है, मैं सोचा चलते हैं किसके साथ, तो गाइस इधर से देखते हैं, ये बोल रहे हैं पठानकोट तक जाना है बस पे, आगे ट्रेन पे चलेंगे, तो मैं इनको कह रहा हूँ डायरेक्ट ही चलते हैं इधर से सीधा बस पे पठानकोट से, सीधा 200 रुपये किराया लगेगा पूरा इधर से लेकर दयाल चक से अमृतसर तक 200 किराया। तो बाकी एक और आ गया हमारे साथ जग्गी, जग्गी का एग्जाम नहीं है, जग्गी काम करता है वहाँ पे गुरदासपुर में, तो जग्गी वहाँ पे जा रहा है। बाकी यार जैसे आरटीसी भी जाना है हमने, जैसे ही आरटीसी आती है अमृतसर वाली, तो उसमें बैठते हैं और फिर चलते हैं। पिछली बार भी, इस बार भी मैं यहीं पे उतर रहा हूँ। तो बाकी यार मैं अभी देख रहा हूँ इन तीनों का 2:30 बजे एग्जाम है, मैंने सोचा इसका 8:30 बजे है, लेकिन हम यार इतनी जल्दी आ गए, इसने मेरे को बोला कि मेरा 8:30 बजे है चल मेरे साथ, अब वो बता रहा है कि 2 बजे है यार, 2:30 बजे पेपर है, तो यार आज के दिन भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कल भी यहीं पे रुकना पड़ेगा, जो जिस हिसाब से पहले आ गए हैं उस हट जाना है। तो बाकी यार इधर से पानी की बॉटल लेते हैं पहले, भूख लगी है, और चलते हैं यार गुरुद्वारा में, हमने कहाँ जाना है यार गुरुद्वारा में जाना है, क्योंकि उधर रहने का भी है, शायद रूम ले लें, क्योंकि पिछली बार गुरुद्वारा में एक चक्कर है इन्होंने, मैंने इसको बोला था कि ऊपर लेने के लिए लाना कुछ कंबल वगैरह लाना, इन्होंने कुछ लाया ही नहीं है, तो देखते हैं यार पिछली बार उधर ही रहे थे, तो इस बार देखते हैं क्या करना आगे क्या नहीं, अभी बहुत टाइम है, वैसे भी कल का दिन भी है, मतलब 2:30 बजे कल आज अभी 3:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी बता रहा है मुझे कि मेरा भी, मैंने सोचा दो बंदे हो रहे हैं मेरे साथ, उनका 2:30 बजे है, इसने मेरे को बोला कि मेरा 8:30 बजे है, और अब देखो हंस रहा है, अब हंस रहा है, ठीक है, अभी एक दिन यार इधर मतलब रुकना पड़ेगा यार, ऊपर से गर्मी इतनी है, पानी की बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं और चलते हैं यार गोल्डन टेम्पल। ये पहली बार आए हैं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मेरे पीछे लड़के बोल रहे हैं देखो वो 20 रुपये खर्च कर रहे हैं ना, और ये इधर वो लगा फ्रिज, हम यहाँ से पियेंगे, जरूरी पैसे खर्च करने हैं, ठीक है, हम तो नहीं करेंगे जहाँ पे इतने पैसे खर्च पे फालतू गए, जो फ्री में मिल रहा है उसके ऊपर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बाकी यार पानी वगैरह पीते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं यार गोल्डन टेम्पल में। अभी मैं पहुंच चुका हूं कुछ ऐसी लोकेशन पे, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से जाता है जलियांवाले बाग को रास्ता, ये देख सकते हो आप, तो यहाँ पे भी जाएंगे, पिछली बार नहीं जा पाया था मैं, इस बार जरूर जाऊंगा। तो बाकी यार भूख बहुत ज्यादा लग गई है, और चलते वाले दरबार साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल का दूसरा नाम, जिसको दरबार साहिब
जी भी बोलते हैं, तो बाकी वहीं पे जाएंगे पहले, उधर जाके लंगर में खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पर जलियांवाला बाग में, ये भी आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करवाएंगे, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले यार गोल्डन टेम्पल में चलते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल के अंदर। यार मुझे यार ये शर्ट अपनी चेंज करनी पड़ी, टी शर्ट यार इसलिए चेंज मैंने पता क्योंकि यार पीछे उसको कुछ वो जो बना था कुछ, तो उधर वो बोलते हैं वो अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। तो मतलब एक आदमी बना था, वो सिगरेट पी रहा था ना, तो उस वजह से उन्होंने बोला चेंज करके आओ, तो ये बहनी। और अब अंदर पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हो आप, दर्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। और फिर दर्शन वगैरह करने के बाद फिर उधर यार लंगर में जाते हैं और खाना वगैरह खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बाकी उधर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि पिछली बार मेरे को उन्होंने मना किया था, इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है। और लंगर में मैं ट्राई भी नहीं करूंगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या फ़ायदा गालियाँ पड़ी। तो बाकी लंगर में खाना वगैरह खाने के बाद फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं गोल्डन टेंपल से बाहर, तो यार अभी अपने शूज वगैरह पहनेंगे और फिर चलेंगे यार जलियांवाले बाग में, क्योंकि यार पिछली बार भी मैंने वो जगह मिस की थी, उधर मैं नहीं गया था, तो इस बार मैं पक्का जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी यार अभी शूज वगैरह पहनते हैं, ठीक है, और फिर शूज वगैरह पहनने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये गली यार जो जलियांवाले बाग के अंदर जाती है, तो यार चलते हैं अंदर, तो ये देख सकते हो आप। अभी हम कुछ ऐसे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये अभी सामने आप देख सकते हो कुआं, ये अभी फिलहाल तो बंद हो चुका है चारों साइड से, लेकिन जब यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि इधर 13 अप्रैल 1919 में लड़ाई हुई थी यहाँ पे, ठीक है, जलियांवाले बाग में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अंदर कुएँ के अंदर छुप गए थे बचने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से फायर हो रहा था। तो बाकी अभी फ़िलहाल ये बंद हो गया, अंदर शायद नहीं दिख रहा हो आपको ये, तो बाकी अभी शीशे वगैरह लग गया यहाँ पे, तो बंद कर दिया ये चारों साइडों से। तो बाकी बहुत सारे बंदे यहाँ पे भी छुप गए थे और बहुत सारे बंदे इसके अंदर ही मर गए थे, ठीक है, क्योंकि चारों साइडों से फायर वगैरह हो रहा था, तो उसके कारण भी बहुत मर गए। तो बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जब फायर हो रहा था गोलियों के निशान बने हैं धूप, जैसे दीवार है ना ऐसे दीवार पे बने हुए हैं गोलियों के निशान, वो भी दिखाता हूँ मैं आगे जाकर, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसे लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, तो ये हैं वो गोलियों के निशान, ये देख लेते हो आप। तो यार ये जितने भी गोलियों के निशान हैं आप सोच रहे होंगे कि दीवारों पे क्यों चलवाई हैं, ये दीवारों के ऊपर नहीं चलवाई हैं, ये जहाँ से लोग भागते थे ऊपर दीवार क्रॉस करने की कोशिश करते थे ना जब, तो वो लोग भाग रहे थे यहाँ से, तो पीछे से उन्होंने गोलियाँ चला दी थी, ठीक है। बाकी मेरे को भी इतना पता नहीं है, मैंने अभी यार यूट्यूब पर देखा था ये, उधर से मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लोर किया, पढ़ा इसके बारे में थोड़ा, तो मैं सोचा आपको भी बता दूँ, ठीक है, बहुत सारे बंदों को नहीं पता होगा। तो बाकी यार इतना ही पता था मुझे, थोड़ा बहुत जितना पता था मैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी उस साइड भी चलते हैं, उधर उधर का कोई इतिहास है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बने रहो यार ब्लॉग में। लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी गोलियों के निशान अभी तक हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी सेम, यहाँ का वही इतिहास है, यहाँ से भी लोग ऊपर जाने बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि गोलियों के डर से चारों तरफ से गोलियाँ चल रही थी, तो लोग इधर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। अब फिलहाल तो ऊपर से बंद है, पर तब नहीं था ना, तो पीछे से गोलियां चलाई हैं उन्होंने, ये देख सकते हो आप दीवार की हालत। यहाँ से चलते हैं क्योंकि अभी मुझे इतना ही पता था इसके बारे में, जितना पता था जहाँ जहाँ मैंने देखा था वीडियो में कि जो जो मेरे को इतिहास पता था मैं वहाँ वहाँ ही आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। बाकी का मुझे पता नहीं है, तो बाकी की जगह पर मैं पता नहीं अभी आगे का क्या सीन है इसका क्या नहीं। तो बाकी यार अभी चलते हैं, अभी रहने का जुगाड़ वगैरह करते हैं, ठीक है। अभी इनको पूछते हैं गुरुद्वारा में रहना है या रूम लेना है, बाकी ये खुद ही बताएंगे, ये देख सकते हो आप ये खड़े आगे। तो यार आज के व्लॉग में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 गौड़ो।